विद्यापति भवन में शहीद जगदीप प्रसाद की 18वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। उन्होंने शहीद जगदीप प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी कार्यक्रम में बनी रही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समाज को एकत्रित करने में और एक नई दिशा दिखाने में हमेशा से उनकी चाहत रहती थी कि वह समाज को एक नया रूप और नया दिशा दिखाने का काम करें, और सालों तक इतिहास के पन्नों से लेकर आम लोगों तक उनकी यादें जिंदा रहेंगी। हर पल सबके दिल में वो बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जन कार्य को बढ़ावा दिया। भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा इस आप लोग भाइयों से अनुरोध करते हैं कि मंच पर पटना के इतिहास आप अपना अपना सीट ग्रहण करें, थोड़ा मंच को खाली। ये आपके आने से पहले मंच से कई लोग बोल रहे थे हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, सरकार पर हमला हो रहा है, नीतीश सरकार पर और केंद्र की सरकार। देखिए, ये भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार पर हमले की बात नहीं है। हिस्सेदारी तो घर के अंदर में भी लोग मांगता है, परिवार के अंदर में एक पिता का चार बेटा होता है तो चारों बेटा कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए पिताजी से लड़ जाता है। तो जो कुशवाहा समाज बिहार के अंदर और देश के अंदर 14 से 15% है, निश्चित तौर पर ये सहानुभूतिपूर्वक और इस ऐतिहासिक पटना की धरती पर इन लोगों ने जो सम्मेलन किया है, उस सम्मेलन में हम लोग शिरकत लिए हैं। श्रद्धापूर्वक निश्चित तौर पर जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता दल यू की सरकार, इसमें कुशवाहा समाज की भागीदारी रही है और इस भागीदारी को और बढ़ाना चाहिए। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी हम आग्रह करते हैं उसके नेतृत्व से। आयोजन किया गया है इस सम्मेलन में, मुझे निमंत्रण दिया गया था और बिहार सरकार की मंत्री के हैसियत से इस सम्मेलन हम आए हैं और यहाँ पर पहुँचे हजारों अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का ये कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि आज 2020 में चुनाव है इस कारण से बड़ा ही व्यापक स्तर पर रखा गया है। ये हर साल इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम इस लोग बिहार के अंदर में दो दो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और इस बार थोड़ा खुशी का ज़्यादा माहौल दिख रहा है कि 2020 में एक अच्छी और नेक सरकार बनानी है बिहार के अंदर में। कुशवाहा समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी निश्चित तौर पर। इस समाज के लोगों ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, ऐसे अवसर पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्मा जी हैं और उपस्थित हमारे कई राज्यों के माननीय विधायक और जनप्रतिनिधि भाग लिए हैं। हम बिहार की राजधानी पटना में सबों को दिल से और हृदय की गहराइयों से हम स्वागत।